हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप कौशिक आपका स्वागत कर रहा हूँ GKSection.com की ऑनलाइन वीडियो पोर्टल में। और हम आज यहाँ देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के पार्ट 8 के सवाल जवाब, जो कि GKSection.com की वेबसाइट से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी अगली परीक्षा में, तो दोस्तों इन्हें इग्नोर ना करें, प्लीज़ इन्हें बुकमार्क करके रखें और हमारी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। पूछा गया है पहले प्रश्न में, भारतीय रेल जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे बड़ा है, कितने क्षेत्रों में विभाजित है? ए 7, बी 9, सी 8 या डी 10। तो इसका सही उत्तर है वो है बी 9। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कोनकन रेलवे परियोजना के लिए चौथा राज्य निम्न में से कौन सा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए केरल। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पूछा गया है, किस साल में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? ए 1988, बी 1972, सी 1982 या डी 1965। इसका सही जवाब हम बता दें दोस्तों, वो है सी 1982। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, डैश मध्य रेलवे की स्थापना हुई? ए 5 नवंबर 1951, बी 24 नवंबर 1958, सी 16 अप्रैल 1997 या डी 26 अगस्त 1961। सही उत्तर है दोस्तों इसका ए 5 नवंबर 1991, यानी कि 1951। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, राजस्थान निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत है? ए उत्तरी रेलवे, बी पश्चिमी रेल क्षेत्र, सी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या डी केंद्रीय क्षेत्र। दोस्तों का सही उत्तर है वो है बी पश्चिमी क्षेत्र। 6 प्रश्न में पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम क्या है? ए भारतीय रेलवे, बी भारतीय शिपयार्ड, सी एयरवेज या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए भारतीय रेलवे, और हमें उम्मीद थी इसका आंसर आपके पास जरूर होगा। 7 प्रश्न में पूछा गया है, पहला लोकोमोटिव कब जिसको चितरंजन में निर्मित किया गया था? ए नवंबर 1950, अक्टूबर 1952, सी सितंबर 1948 या डी अक्टूबर 1956। दोस्तों का सही उत्तर है वो है ए नवंबर 1950। दोस्तों यह था आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 7 प्रश्न, यानी कि 5 पार्ट 8 के। दोस्तों यदि इन सभी प्रश्न में कुछ ऐसी दिक्कत है या फिर कुछ गलत पर हमने गलती से पेश कर दिया है, तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम सुधार कर सकते हैं। और ये सभी प्रश्न आपको GKSection.com वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उनकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक